सभी भाइयों को नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पर। आज का वीडियो लेके आ रहे हैं जी भिवाणी जिले से। भिवाणी जिले की तोसाम तहसील पड़ती है और तोसाम के अंदर ही भाई ने पशुधन रखा है। और ये देखिए पीछे जो है, सामने एक जोटी देखी आपने, पीछे जो इसकी माँ है वो भी है, और एक गिर क्रॉस में जो है बछड़ी है भाई साहब के पास। बात करेंगे इस जोटी के बारे में, पूछेंगे, बच्चा देने के नज़दीक है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम पवन मिस्त्री है जी। पवन मिस्त्री, किस चीज़ के मिस्त्री हो भाई? ट्रैक्टर का मैकेनिक हूँ जी। अच्छा, ट्रैक्टर मैकेनिक हो। तो पवन भाई, तो शाम में अपना ये कौन सी जगह है घर? ये भिवाणी रोड धर्मा कॉलोनी। अच्छा ठीक है, भिवाणी रोड धर्मा कॉलोनी में है जी। तो मिस्त्री जी, ये जो जोटी है ये पहली बार बच्चा देगी? हाँ जी, फर्स्ट बार। तो क्या पोजीशन है इसकी, कितने दांत है, माँ का दूध कितना है, सारा कुछ बताओ। ये सर चौथा दांत तोड़ा अभी इसने। अच्छा, दो दिन से। हाँ अच्छा अच्छा। और उम्र की कितनी होगी? उम्र की 34 महीने की होगी सर। 34 महीने की। हाँ जी। 34 महीने की कटड़ी है, देखिए बिल्कुल छोटे सींग की, चार दांत, चौथा दांत अभी तोड़ा ही है, और लंबाई ऊंचाई आप देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया। तो पवन भाई ये कितने दिन में ब्याएगी? ये जी 6 तारीख को इसके 10 महीने पूरे हो जाएंगे। 6 तारीख को, आज कितनी होगी, 29? 29 तारीख। 6 तारीख को दिन पूरे हो जाएंगे, आज 29 तारीख है। देखिए जोटी काफी बढ़िया, लंबाई ऊंचाई की बहुत अच्छी है, बिल्कुल छोटे सींग की है, और 6 दिन बाकी हैं। ये देखिए पीठ की चौड़ाई बहुत ही बढ़िया। तो पवन भाई इसकी माँ और बाप के बारे में भी पूछूंगा मैं आपसे, एक बार दिखा देता हूँ नीचे से बनावट देखिए अर्डर की, जो है अभी बढ़ने लगा है, मैं कहूँगा काफ़ी बढ़िया, बड़ा सा आर्डर है, पैरों के बीच का, थनों की दूरी पीछे वालों की लगभग मेरे ख्याल से अभी फिलहाल की बात करें तो 8 से 10 इंच जरूर होगी, लेकिन जैसे अभी जैसा भाई साहब ने बताया 6 को दिन पूरे होंगे तो 10 दिन अभी लगभग, 7 दिन लगभग अभी बाकी हैं बच्चा देने के। और आगे वाले थनों पर भी देखिए काफ़ी बढ़िया जो गैप है वो अच्छा है, पैरों पे थोड़ी थोड़ी सोजी साणी शुरू हुई है, पूंछ में थोड़े से बाल वाइट, लेकिन लंबाई ऊंचाई सींग की क्वालिटी सारी तरह से जो है जोटी संपूर्ण जो एक पशुधन होता है वो दिखाई दे रहा है। तो शाम से ये वीडियो लेके आ रहे हैं। पवन भाई इसकी माँ और बाप के बारे में बताओ। इसकी माँ तो सर ये खड़ी है, इधर ही आ जाओ फिर। इसकी माँ ये खड़ी है, ये कितने दूध वाली रही है पवन भाई? ये जी इसने तो शाम हॉस्पिटल में 20 किलो 160 ग्राम निकाला है। 20 किलो 160 ग्राम। हाँ जी ठीक है। कौन से साल में निकाला था ये? 2 बार लग ली जी। अच्छा। हाँ, ये कटड़ी जब नीचे थी तब इसने 20 160 का। कितने महीने की ब्याई थी उस टाइम? उस टाइम ये 3 महीने करीब ब्याई। अच्छा, 3 महीने की ब्याई का भी 20 160 था। ठीक है, तो ये इस कटड़ी के बाप का पता है कौन है? ये तो जी सरकारी से लगवाया था सीमन। और ये वाली जो छोटी खड़ी ये लाडला की है। ये लाडला की है। और ये जो है ये धारणबास वाला पुल की है जी। मेरा गांव खपड़बास है, ये वहीं की पैदाइश है। अच्छा, धारणबास वाला जो बड़ा बुल था उसकी उसकी, उसकी बेटी है। तो इस का 20 किलो से ऊपर दूध रहा तो जोटी की क्या उम्मीद करोगे? मैं तो सर 20 खरकी का मान रहा हूँ कि 20 किलो पहले ब्यांत में दे, क्योंकि इसकी पहले वाली कटड़ी 22 किलो दे रही है, कटड़ी गांव में है। अच्छा अच्छा, दूसरे ब्यांत में 22 किलो दे रही है। अच्छा, 22 किलो दे रही है। और ये लाडला की है? हाँ, ये लाडला की है। ठीक है, सुंदर है कटड़ी देखिए ये भी, और भैंस भी काफी बढ़िया। आप तो दूध नहीं दे रही भाई साहब? हाँ, अब तो ये 1.5 महीने में 1.5 महीने में बच्चा देगी। ठीक है, और ये गाय? ये NDDB का, मेरे पास गाय थी इसकी माँ मरगी सर, वो NDDB का गिर का बीज रखवाया था उसको। हाँ, कौन सी ब्रीड की थी इसकी माँ? इसकी माँ साहिवाल, साहिवाल थी, और गिर का सीमन लगवा दिया साहिवाल पे, तो गिर साहिवाल क्रॉस की आ गई। ये भी क्या बिन है? हाँ जी, ये 10039 कोई गिर काबुल है, उससे क्या बिन है। अच्छा अच्छा, तो पूरा ध्यान रखते हो सीमन का आप? हाँ, सीमन का तो कौन बताता है सीमन के बारे में? बस आप जैसे कि वीडियो देख लेते हैं उसी में पता चल जाता है। अच्छा अच्छा, वीडियो से देखने की वीडियो देखता हूँ मैं बार बार, फुर्सत मिल जाती है वीडियो देख, शाम सुबह देख लेते हैं काम के बाद। ठीक है ठीक है, तो इस जोटी के पास आ जाओ। ये बताओ कि जोटी बेचने का विचार है या घर रखने का विचार है? जोटी सर को असली बाहर आएगा तो बेच देंगे। अच्छा, बाहर आएगा तो असली आएगा तो बेच देंगे, नकली आएगा तो नहीं बेच, नकली आएगा तो फिर मोल ही नहीं करेंगे। अच्छा, तो मोल क्या है इसका? मोल तो सर मौके पे बताएंगे अब। अच्छा हाँ, ब्याज आती है फिर बताओ? ब्याज आती पहले कोई आ गया तो पहले भी बता देंगे। अच्छा, वैसे 20 किलो दूध की आप कह रहे हो, मेरी उम्मीद है 20 किलो 18 किलो तैयार करके बेचोगे तो अच्छी बात है। तो ये देखिए बहुत ही बड़े साइज की खूबसूरत जोटी है, पहले ब्यांत की,
तो पवन भाई मोबाइल नंबर बताओ। 94161-23573। 94161-23573 इस नंबर पे कोई भी भाई तो सामने जो बाहर हो, जो वैसे बाहर हो वो ही फोन करे सर। हाँ, बिना वायर वाला भी कर सकते हैं। वो मेरा काम फिर डिस्टर्ब रहता है ना। ये तो भाई होएगा, अब तो डिस्टर्ब नंबर बता दिया तो। एक ही काम कर लो, या झोटी बेच लो या ट्रैक्टर के नट खोल लो, काम तो देखो एक ही होगा। चलो ले लो पंगा, क्या इलाज है उस बात का। तो देखिए जी, झोटी तो सामने खड़ी है पवन मिस्त्री भाई के पास, ट्रैक्टर मैकेनिक है। भाई साहब ने कहा कि जो सीरियस वायर है वही झोटी के लिए जो है फोन करे, ना तो भाई का काम धंधा जो है वो ट्रैक्टरों के मिस्त्री हैं। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। 6 तारीख को बच्चा देगी, माँ ये इधर खड़ी है, बहन भी खड़ी है। HLDB के सीमन की जो है ये कटड़ी है, और ये जो भैंस है ये धारवणवास वाला जो बड़ा बुल, जिसकी पहली और शायद आखिरी ही वीडियो हमने शूट की थी अपने चैनल पर ही आई थी, कोई और वीडियो शायद उस बुल की आई भी नहीं किसी चैनल पर। और ये एक कटड़ी है वो भी बहुत खूबसूरत, गाय भी अच्छी। कहने का मतलब जितना भी पशुधन है पवन भाई के पास वो बहुत ही साफ सुथरा और अच्छा है। और शहर में एक छोटा सा कस्बा है, ये सिटी में रह के मेंटेन किए हुए हैं पशुधन को, तो दूध पीने के लिए साफ सुथरा दूध जो है पीने के लिए आप पशुधन जरूर रखें। तो शाम भिवानी जिले में इनके यहाँ संपर्क कर सकते हैं अच्छी साफ सुथरी भैंस के लिए। झोटी जो है बिक्री वाली है भाई के पास। तो गाय कटड़ी वगैरह तो कोई बेचनी नहीं होगी? नहीं, अच्छा झोटी झोटी बेचनी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।